Welcome to our last topic in this chapter number first, that is a basic concept in geometry. In this basic last topic will be remain that conditional statement and converse. So what is conditional statement and what is converse? Just we see that. So see, first point in that, the statement which can be written in the if then form, that is called conditional statement. The part of the statement follow if is called antecedent, and the part which follow the then is called consequence. Now after that, if the antecedent and consequent in a given conditional statement are interchanged, the resulting statement is called converse of the given statement. मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि if के बाद का जो भी part है उसको antecedent बोलेंगे, और जो then के बाद का जो part है उसको बोलेंगे हम consequent. अभी book में एक example दिया है कि diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. तो एक एग्जांपल वहाँ पे रखा है. नाउ सेकंड वन, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सम सेल्फ इविडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स. व्हाट इज बाय पोस्टुलेट्स? सम सेल्फ इविडेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स. नाउ नेक्स्ट, दैट द प्रॉपर्टीज व्हिच आर प्रोवाइड लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम्स. व्हाट इज बाय थ्योरम्स? थेरम्स इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉपर्टीज दैट प्रूव लॉजिकली. मतलब ये जो थेरम, इसको कहते हैं हम कि रीजनिंग जो स्किल है उससे क्या है वहाँ पर डेवलप होती है रीजनिंग स्किल. सो दैट इज नथिंग बट अ थेरम. नाउ नेक्स्ट, दैट इज अ लॉजिकल आर्गूमेंट्स टू प्रूव दैट थेरम इज कॉल्ड अ प्रूफ. प्रूफ मीन्स वॉट? दैट इज नथिंग बट अ लॉजिकल आर्गूमेंट. नाउ नेक्स्ट, दैट इज when we are going to prove that conditional statement is true, its antecedent is called given part and the consequent is called the part to be proved. ab isme yahan pe hum bata sakte hai ki jo hai so statement can be written in a conditional form, that is if the given quadrilateral is rhombus. ab ye kya ho gaya? antecedent ho gaya in book. then next, that diagonal of perpendicular bisector is bisectors of each other, that is nothing but a consequent part. means converse matlab means what? it is a interchanging in between antecedent and consequence. ab yahan pe if conditional statement is true, ab suppose conditional statement koi agar true hai, sahi bhi hai, it converse is not necessarily true. matlab uska jo bhi converse hai, ज़रूरी नहीं कि वो क्या है ट्रू हो. तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या है देख सकते हैं. व्हाट इज लास्ट पॉइंट? देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ. कीप इन योर माइंड दैट टू टाइप्स ऑफ प्रूफ आर देयर, डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ आर देयर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ सम ऑफ इक्लिड पॉस्टुलेट्स आर गिवन बिलो. अब इक्लिड्स ने कुछ पॉस्टुलेट बनाए हैं वो देखेंगे हम. लेट्स वी सी. फर्स्ट पॉस्टुलेट इज दैट देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू अ पॉइंट. देर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच में से एक ही. देर इज वन एंड ओनली वन लाइन दैट पास. नेक्स्ट, दैट a circle is a given radius can be drawn taking any point as a center. next, all right angles are congruent with each other if two interior angles are formed on a one side of transversal. matlab ek transversal hai aur do parallel lines hai, to transversal ke ek side two lines agar pass hote hain. क्या बोल रहे हो? इफ टू इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म, दो इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं कहाँ पे? एक ट्रांसवर्सल पास होने का टू लाइंस में. एट दैट लेस देन टू एंगल्स, टू राइट एंगल्स, देन द लाइन प्रोड्यूस इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट टू ईच अदर. सी द एग्जांपल्स, सी हियर एग्जांपल.
एंगल ए प्लस एंगल बी इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी, अब जो एक डायग्राम आ रही है आपके सामने उसमें दो एंगल्स हैं, एंगल ए है और एंगल बी है। अब वो क्या है, 180 नहीं है। लाइन एल इंटरसेक्ट दैट लाइन एम, सी हियर, सी दिस फिगर, टू लाइन्स आर पास एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट एंगल ए विल मेड, एंगल बी विल बी मेड। मीन्स दैट एंगल ए एंड एंगल बी इज नॉट इक्वल टू 180। मतलब वो क्या बताना चाह रहा है कि टू इंटीरियर एंगल्स दैट फॉर्म इन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इफ टू लाइन्स एड अप टू लेस दैन टू एंगल्स राइट एंगल्स, दैन द लाइन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैन वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ थ्योरम ऑफ डायरेक्ट प्रूफ। सी ऑब्जर्व दिस डायरेक्ट प्रूफ एग्जाम्पल वेरी ईजी वे दे विल बी सॉल्व हेयर। डायरेक्ट प्रूफ एग्जाम्पल सी हेयर, फर्स्ट द थ्योरम दे विल बी शो हेयर, द अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दो अपोजिट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं दो इंटरसेक्ट लाइन होने के बाद। तो इंटरसेक्ट लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर, जो कि इक्वल मेजर के हैं। जैसे कि इन दिस थ्योरम दे विल बी शो दैट लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट हो रहे हैं किस पॉइंट में, ए ओ पॉइंट में। कैसे, ओ ए बी, सॉरी ए ओ बी एंड सी ओ डी इन दिस वे। व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव हेयर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। सो सी हाउ वी प्रूव दैट, इन दिस वे वी प्रूव दैट, वी टेक दैट फर्स्ट हेयर ए बी इज द लाइन, ओके। नाउ एंगल ए ओ सी एंड प्लस एंगल बी ओ सी, सी एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी की तरह देखो और एंगल बी ओ सी की तरह देखो, 90 हो गया वो, ठीक है। एंगल्स इन लीनियर पेयर, रेशीय जोड़ीतील कोण आहेत ते, तर त्यासाठी आता आपण त्याचा एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर असं आपण लिहू शकतो। देन एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ये भी 180 हो गया, 90 बी ओ सी 90 हो गया और बी ओ डी कितना हो गया, 90 180। सेम इक्वेशन टू, वी कैन गिव द रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर, म्हणजे रेषीय जोडीतील कोण आहेत ते। नाऊ वी टेक दैट हैविंग इक्वल्स इक्वेशन वन एंड टू, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। नाउ व्हाट इलिमिनेट हेयर, बी ओ सी, बी ओ सी विल बी इलिमिनेट, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इन दिस वे वी कैन इलिमिनेट दैट बी ओ सी। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ये हम क्या है इस पर प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से। सेम एंड दिस इज अ डायरेक्ट प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ, टू टाइप्स ऑफ प्रूफ वी हैव सीन, टू टाइप्स ऑफ प्रूफ, फर्स्ट डायरेक्ट प्रूफ एंड सेकंड वन इनडायरेक्ट प्रूफ। नाउ लेट्स वी सी दैट इनडायरेक्ट प्रूफ। सो दिस इज अ इनडायरेक्ट प्रूफ। सो सी इन दिस इनडायरेक्ट प्रूफ दैट दिस टाइप्स ऑफ प्रूफ स्टार्ट विद दैट अज्यूम्शंस दैट कॉन्सिक्वेंस इज फॉल्स। अब यहाँ पे तुमको अज्यूम करना है इनडायरेक्ट प्रूफ में, क्या अज्यूम करना है कि उसको उल्टा सपोज करना है। क्या उल्टा सपोज करना है, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि इनडायरेक्ट प्रूफ का, कि इनडायरेक्ट प्रूफ देखते समय हमको क्या करना है, दो भाई हैं तो दो भाई वो एक दूसरे के भाई नहीं है, यहाँ से हमको क्या करना है उसको प्रूफ करना है। उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंस, दैट इज नथिंग बट अ कॉन्सिक्वेंस यूजिंग एट द प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेड अर्लियर, जो कि हमने क्या है उसको एक्सेप्ट किया है। वी आर स्टार्ट आर्गुइंग स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह से आर्गुमेंट करते हैं हमको जाना है स्टेप बाय स्टेप एंड रीच अ कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज कॉन्ट्रैडिक्टरी, और वो कंक्लूजन किस तरह से है, कॉन्ट्रैडिक्टरी है, कॉन्ट्रैडिक्टरी दैट कंक्लूजन विथ एंटीसीडेंट्स और प्रॉपर्टीज विच आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड, हेंस अजम्पशंस दैट द कॉन्सिक्वेंस इज फॉल्स। और वो अजम्पशंस क्या होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंस हमने किया था वो फॉल्स होगा, गो रॉन्ग। सो इट इज एक्सेप्टेड दैट कॉन्सिक्वेंस इज ट्रू।
तो इस तरह से क्या करना है हमको, उसको प्रूफ करना है. देखो स्टेटमेंट बताया है, दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ दैट इनडायरेक्ट प्रूफ. स्टेटमेंट क्या दिया है, प्राइम नंबर्स इज ग्रेटर देन टू ऑड, टू ऑड, टू इज ऑड. अब यहाँ पे प्राइम नंबर क्या बता रहा है, दो टू नंबर, दो नंबर जो भी है वो ऑड है बता है. अब यहाँ पे हमको कंडीशनल स्टेटमेंट क्या दिया है, वहाँ पे इफ पी इज द प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू इज ऑड. ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है, पी इज अ प्राइम नंबर दिया है ग्रेटर देन टू, जो कि ग्रेटर है दो से, दैट इज वन एंड पी आर ओनली डिविजर्स ऑफ पी, जो कि पी पी के क्या है, डिविजर्स है. टू प्रूव, अब हमको क्या प्रूव करना है, पी इज ऑड नंबर, पी ये ऑड नंबर है प्रूव करना है. अब यहाँ पे अजम्पशंस, लेट अस सपोज दैट पी इज नॉट एन ऑड. देखो हमने भी बताया है कि उसको कॉन्सिक्वेंस किया गया है, क्या कॉन्सिक्वेंस किया गया है, लेट अस दैट सपोज पी इज नॉट एन ऑड नंबर. अब ऑड नंबर नहीं है मतलब क्या है, सो पी इज इवन नंबर, तो पी इज पी को क्या किया है, इवन नंबर लिया है. डिविजर ऑफ पी इज टू, अब क्या है, पी का डिविजर क्या है, टू है. दिस इज नॉट पॉसिबल, इक्वेशन वन जो है ये क्या है, पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट अ पॉसिबल बिकॉज, बट इट इज गिवन दैट पी इज अ प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन टू, वन एंड पी आर ओनली द डिविजर ऑफ पी. स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट वन एंड टू आर कॉन्ट्रीडक्टरी. अब इसमें क्या है, कॉन्ट्रीडक्शन शू है, दिस एज्यूम्शन इज नॉट करेक्ट. वाई, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल एंड द पी इज ऑड ऑड नंबर एंड इट इज नॉट द इवन नंबर. वॉट इज दैट मीन्स, ऑड इज इवन. यहाँ पे क्या है, ऑड क्या है, इवन है. तो इस तरह से हम क्या है, प्रूव कर सकते हैं कि दिस प्रूव दैट द प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन टू इज ऑड. तो प्राइम नंबर क्या है, इस तरह से ग्रेटर है, ये हमने यहाँ पे क्या है, इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब जो भी दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, देन तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ हाउ यू राइट दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर फॉर्म, द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट in an isosceles triangles the segments are joining that vertex and midpoint of that base is a perpendicular, then we can say that if, sirf humko kya karna hai yahan pe, if lagana hai aur then lagana hai, kahan pe, antecedent mein aur consequent mein. The triangle is an isosceles triangles, then the segment joining that vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. Now again we can see that the next, write the converse of the following statement. If then form लगाने के लिए था, अभी यह है converse. Converse means the interchanging in between antecedent and consequent. Consequent और antecedent और consequent दो है, तो पहले consequent आएगा बाद में antecedent, इस तरह से. So see first example of this that alternate angles are formed by two parallel lines and their transversals are congruent. So how we say that, if alternate angles is made by two lines and transversals are congruent, then the lines is are parallel. Okay, now in if a pair of that interior angles are made by a transversal, the lines that of the two lines are supplementary, then the lines are parallel. Again we can write that in this way, if two parallel lines are intersected by transversal, then the interior angles so forms are supplementary. And last is, the diagonals of rectangles are congruent. What is the answer of this, that the diagonals of quadrilaterals are congruent, then the quadrilateral is rectangle. So in this way this last bit will be finished. So today we'll stop here.